हेलो दोस्तों, मोहम्मद आई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ फ्रंट डिजाइन। ये डिजाइन सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी। और ये हमारी एमिनोबिटी की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बुकरम लेनी होगी जिसकी चौड़ाई होगी 10 इंच के आसपास। उससे हम इस तरीके से सेंटर में क्रीज बना लेंगे। क्रीज बनाने का दोस्तों, आप गला जो कटिंग करेंगे, पहले आप गुलाबी चौक या कोई भी चौक से ऐसे निशान लगा लें। जब इसे ओपन करेंगे तो ये आपका सेंटर वाला निशान हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने गले का ब्रॉड, जैसे कि आपके गले का ब्रॉड है 6 इंच, तो यहाँ से आपको 3 इंच निशान लगाना है और इधर से भी 3 इंच निशान लगाना है, जो टोटल में आपका 6 इंच हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम नीचे भी निशान लगाएंगे 3 इंच पे करके, टोटल में 6 इंच। ये निशान लगाने के बाद आप इसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। दोस्तों, सीधा करने के बाद आप इसको यहाँ से देखिए, इसको भी गले को ऊपर की तरफ से ऐसे निशान लगा लें, जिससे कि आपका ये सीधा पता रहेगा। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ से अपने गले का डीप, जैसे हमारे गले का डीप है 7.5 इंच, तो यहाँ से आपको ये 8 इंच का निशान लगाना है। ये देखिए, 8 इंच का निशान लगाया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे 8 इंच का निशान लगा के दोस्तों, आपको यहाँ से एक शेप देनी है गले की। तो हम यहाँ पर गले की शेप देते हैं। तो दोस्तों, ये गले की आपने शेप दे दी, अब हम इस गले को कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले गले कटिंग करने से पहले हम ऊपर वाला हिस्सा जो है उसे कटिंग कर लेंगे। और इसमें दोस्तों, यहाँ से गले के यहाँ से हम तकरीबन यहाँ पे 8 इंच तक निशान लगा लेंगे। हम यहाँ तक गले को कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें गले को कैसे कटिंग करना है, तो आप यहाँ से देखिए गला कटिंग करेंगे और तकरीबन इतना इतना हिस्सा छोड़ देंगे। फिर ये वाला हिस्सा पूरा नीचे तक कटिंग कर लेंगे। तो ये दोस्तों, आपने जब कटिंग कर लिया तो ये वाले हिस्से को हम यहाँ से हटा लेंगे। तो दोस्तों, आप ये देखेंगे हमारा ये वाला हिस्सा कट हो चुका है, लेकिन इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे डोरी वाली। तो आप इसको बुकरम को हल्का हल्का जो है इतना इतना कटिंग कर लें। तो दोस्तों, आप देखेंगे हमने जो है ये गला कटिंग कर लिया है, और जो ये गैपिंग है, हम यहाँ पे जब डोरी वाली पाइपिंग लगाएंगे तो ये गैपिंग पूरी कवर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, हम गले को साइड से हम इतना इतना पूरा गला कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने गला कटिंग कर लिया है, अब आप इसे हम आपको बना के दिखाएंगे। तो चलिए मशीन की तरफ हम इसे बना के दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमने देखिए गले को कटिंग कर लिया है। उसके बाद जिस कलर की हम कमीज़ बनाएंगे, हम उस कपड़े पे इसे रखने के बाद इस गले को जमाएंगे, जैसे कि हम अपने हर गले को जमाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब आप गला बना लेंगे पूरा, फिर आपको यहाँ पे सेंटर में क्रीज बनानी है। इन दोनों को इस तरीके से मिला के और यहाँ पे कट लगा लें, और ये जो क्रीज है ये आपका सेंटर हो जाएगा। अब इसे कैसे जमाएंगे गले में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अपना फ्रंट लिया हमने, यहाँ पर सेंटर में कट लगाएंगे। कट लगाने का दोस्तों, हम इसे ओपन करेंगे इस तरीके से। ओपन करने का दोस्तों, जो आपने पहले सेंटर में कट लगाया था गले के, आप कट से कट मिला के यहाँ पर सिलाई लगाएँ, और ये जो क्रीज है इस क्रीज को सेंटर वाली क्रीज से मिला लें और इस पर सिलाई लगा लें। तो दोस्तों, ये सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ से गले को मिलाएंगे और आपका जो कट है इस कट से मिलाने के बाद इस पर सिलाई लगाएं, और जैसे हम अपने हर गले को जमाते हैं बिल्कुल वैसे इसको जमाएंगे। दोस्तों, इस गले में यहाँ पे लाने के बाद आप रोक दें, क्योंकि यहाँ वाला हिस्सा हमें सेट करना है। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। आपको क्रीज की तरफ से ध्यान रखना है। पहले तो आप ऊपर की तरफ से अपने गले को मिला लें, जब ऊपर की तरफ से बिल्कुल ओके मिल जाएगा तो आप यहाँ पर इसे सेंटर क्रीज से नापेंगे, तो यहाँ पर 3 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी आपको 3 इंच रखना है, तो बिल्कुल ओके बैठा है हमारा। हम यहाँ पे इसे इस तरीके से पकड़ के सिलाई लगाएंगे पहले, और सिलाई लगाने के बाद दोस्तों, अब फिर इसको एक बार नाप लेंगे यहाँ पे 3 इंच,
और अब यहाँ पे जो हम सिलाई लगाएंगे दोस्तों बिल्कुल बारीक करके सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे कपड़े की गैपिंग कम है, तो बारीक सिलाई कर लें आप। उसका दोस्तों आप यहाँ पर गले को कटिंग करेंगे, कटिंग करने का गोलाई में आप कट लगाएंगे और सेंटर में यहाँ पे बिल्कुल सीधा कटिंग कर लेंगे। उसके बाद ये नोक है, आप इस नोक को पलटेंगे। तो दोस्तों जब ये नोक पलट जाए आपकी, उसके बाद ऊपर से गले के किनारे पे पूरे गले पे सिलाई लगा लें। देखिए दोस्तों हमने गले पे पूरे पे सिलाई लगा ली, जिसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा फिनिशिंग से बैठ गया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखिए हमने रेड कलर की जो है, जिस कलर का आपका कंट्रास्ट हो, यानी कि पैंट हो या पजामी कुछ भी हो, जिस कलर का कंट्रास्ट होगा दोस्तों उस कलर की आपको एक पाइपिंग बनानी है। ये डोरी वाली पाइपिंग हमने तैयार कर रखी है। अगर आपको ये बनानी नहीं आती तो आई लिंक पे क्लिक करके आप ये बनाना सीख सकते हैं। आपको ये बनाने के बाद अब क्या करना है, ये वाला जो डोरी वाला हिस्सा है हमारा, आप यहाँ पर गले के पास से इसको इस तरीके से मिला के रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने का दोस्तों जैसे ऐसे गला घूमेगा बिल्कुल इसको बराबर से बिठाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे, जिससे कि पाइपिंग हमारी लग जाएगी। दोस्तों जब आपके किनारे पे आएगी सिलाई, तो आप यहाँ पर सिलाई मारते हुए लाएं और यहाँ पर लाने के बाद किनारे पे आप इसे सुई को अंदर कर दें, और यहाँ पे सुई अंदर होने के बाद आप इसे इस तरीके से मोड़ लें। मोड़ने का दोस्तों आप रखेंगे, फिर इसे पाइपिंग को बराबर से बिठाते हुए आप इस पर भी सिलाई लगा दें, तो यहाँ पे आपकी नोक में बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पाइपिंग निकल के आ जाएगी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये दोस्तों आप देखेंगे हमारी पाइपिंग निकल चुकी है। फिर आपको क्या करना है, आप इसे नीचे तक सिलाई लेके आएंगे, और जहाँ तक आपका गला ख़त्म हो रहा है दोस्तों, ठीक है, आप उससे नीचे कटिंग कर लें। और अब इस पर सिलाई लगा लें। दोस्तों सिलाई लगाने के बाद ये पाइपिंग लग जाएगी। फिर दूसरी तरफ से जो पाइपिंग लगाएंगे हम, इसे नीचे की तरफ से ऐसे लगाएंगे जैसे हमने ऊपर से लगाई थी पाइपिंग, और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से बिठा के इस पर सिलाई लगाएंगे हम। हल्का पक्का करके इसे सेट कर दें, फिर इसे बिल्कुल बराबर से बिठाते हुए ऊपर तक आप सिलाई लगा के पाइपिंग लगा दें। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर हमने इस तरीके से पूरे गले पे पाइपिंग लगा ली है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, बिल्कुल पाइपिंग की तरह आप एक डोरी जो है बना लेंगे। अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती तो आई लिंक पे क्लिक करके आप ये डोरी बनाना सीख सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ मैं पहले ही कर लेता हूँ, इससे वीडियो लंबी नहीं होती, वरना काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आई लिंक पे क्लिक करके आप डोरी बनाना सीख सकते हैं। उसके बाद डोरी को देखिए दोस्तों, आपको इतनी इतनी गैपिंग में कटिंग करना है। तो दोस्तों आप देखेंगे हमने डोरी को यहाँ पे कटिंग कर लिया, इसको हम हटाते हैं यहाँ से। और दोस्तों एक डोरी हम लेंगे और उसको इस तरीके से देखिए करने के बाद, ठीक है, आप यहाँ पर अपने किनारे से ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरीके से रखना है, और यहाँ पर एक सिलाई लगानी है जिससे कि जम जाए, कच्ची सिलाई होगी वो। और इसी तरीके से दोस्तों बाकी जितनी भी डोरी है आपको इसी तरीके से लेके थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे जो है लगा देंगे आप। बिल्कुल एक बराबर आपको डोरियाँ ही लगानी हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप सारी डोरी जो है लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों आपको इस तरीके से जो है ये सारी के सारी लुपियाँ लगा लेंगे। फिर आपको क्या करना होगा, इसे आप हटाएं। तो दोस्तों आपको एक कपड़ा लेना है। कपड़ा लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये किनारे वाला हिस्सा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल सिंपल आप इसे ऐसे फोल्ड करें, और ऐसे फोल्ड करने के बाद दोस्तों आप इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके आप यहाँ पर एक सिलाई लगा लें। तो दोस्तों ये देखिए हमारी एक पट्टी तैयार हो जाएगी। ये पट्टी हमें कहाँ लगानी है तो मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले दोस्तों आप अपने गले को लेंगे, और गले को इस तरीके से पहले रखेंगे, क्योंकि ये जो हमारी लुप्पी है ये सब ऊपर आएंगे आपके इस तरीके से। तो आप इसको इस तरीके से लें और यहाँ पर एक निशान लगा लें। तो जहाँ पर आप निशान लगाएंगे दोस्तों, यहाँ से आप पट्टी लगाएंगे, तो यहाँ पर जो हमारा बंद वाला हिस्सा था, ठीक है, ये हमारा बंद वाला हिस्सा है। तो आप यहाँ से देखिए इस पट्टी को सबसे पहले यहाँ पे निशान पे बिल्कुल सेंटर में आप, ये सेंटर में आप पाइपिंग रखेंगे, ठीक है, और नीचे तक बिल्कुल बराबर ले जाने के बाद
आप इसे यहाँ से सिलाई लगाएं। और यहाँ पे पक्का कर दें। फिर आप इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे धागे को। दोस्तों कटिंग करने के बाद ये आपकी पट्टी यहाँ पे लग जाएगी। ये पट्टी हम दोस्तों इसलिए लगाते हैं जिससे कि अब हम जो ये सिलाई लगाएंगे तो ये डोरी भी नहीं अटकेगी और इसे फिनिशिंग एक आएगी। अब आपको क्या करना होगा, आप इसे नीचे की तरफ से बिल्कुल मिला के लेके आएंगे। और दोस्तों मिला के लाने के बाद ऊपर की तरफ से आप यहाँ पर पक्का करें। जब आपका पूरा आ जाएगा तो यहाँ पे आप पक्का करके इस तरीके से पाइपिंग से पाइपिंग मिलाते जाएं और इस पर पूरे पे सिलाई लगा लें। तो दोस्तों आप देखेंगे कि हमारे ये जो है अभी गला हमारा बन के तैयार है, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमने कच्चा लगाया था डोरी जमाने के लिए, इसको हम खोलेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे हमारा यहाँ पे जम चुका है, हमने कच्चा भी खोल लिया। उसके बाद यहाँ पे जब देखेंगे आप ये पाइपिंग उठ रही है आपकी, तो आप यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे गले पे। ये सिलाई लगने से आपकी पाइपिंग भी दग जाएगी। और दोस्तों पूरे गले पे जब हम सिलाई लगाएंगे तो आप देखेंगे हमारी उल्टी तरफ ये डोरी है, डोरी और ये पट्टी, ये सब के साथ फिनिश होते हुए मजबूती की तरह लग जाएगी। तो चलिए मजबूती से हम सिलाई लगाते हैं दोस्तों। इसके ऊपर बारीक करके सिलाई इस पर लगाएंगे आप। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पट्टी भी कटिंग कर ली और जो भी डोरी फालतू निकल रही थी हमने कटिंग कर ली। और ये पट्टी आपकी अच्छी तरह मजबूत होगी तो ये कहीं भी आपका ये नहीं लेगा गला, ये आपका गला बन के तैयार है। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, तो ये देखिए ये हमें खुद फैंसी बटन है, ये हम इस बटन को जो है इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों कैसे लगाएंगे हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बटन लगा के दिखाता हूँ। इसमें एक आप देखेंगे डोरी की गैपिंग कोई ऊपर है कोई नीचे है इस तरीके से, लेकिन जब ये आपका बटन यहाँ पे लगेगा तो आप डोरी को पहले सीधा कर लेंगे। एक सीधा करने के बाद आप इसे बटन को यहाँ पर लगाएंगे तो ये आपके यहाँ पे यहीं पर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बटन का वो देखेंगे हिस्सा, तो हमारा देखिए इस तरीके से है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम इस तरीके से निकाल लेते हैं एक धागा, चाहे तो आप नीचे की तरफ से भी निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर आप इसको यहाँ पर इस तरीके से डालें और इसको सीधा सिंपल जितनी गैपिंग में आपका बटन है उतनी गैपिंग में इसे अंदर की तरफ कर दें। और उसके बाद आप खींचेंगे ऐसे तो देखिए आपका बटन जो है अपने आप ये आपका फिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहीं पर नीचे की तरफ से एक धागा निकालें और चाहे तो आप इसे चार धागों में कर लें जिससे कि मजबूती भी आ जाएगी और आपको ज़्यादा ऊपर नीचे करना भी नहीं पड़ेगा, ये आपका आराम से बटन टक जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों आपका बटन मजबूती से यहाँ पे लग चुका है। उसके बाद यहाँ पर अंदर की तरफ से आप इसे यहाँ पर पक्का कर दें। इसी तरीके से दोस्तों आपको बिल्कुल सेम जैसे कि देखेंगे आप कि हमारी डोरी ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको इस तरीके डोरी को सेट करें। सेट करने का दोस्तों आप बटन भी रखेंगे तो बटन की गैपिंग भी आपको ध्यान रखनी होगी। आप बटन को बिल्कुल सीधा रखें और इस तरीके से रखने के बाद आप जितने भी बटन मैंने आपको पहला लगा के दिखाया है बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप नीचे तक बटन टांग लें। तो दोस्तों आप देखेंगे हमने सारे बटन जो है हमने हाथों से लगा लिए हैं। और लगाने के बाद दोस्तों ये देखिए ये बिल्कुल एक बराबर लगने के बाद इस तरीके से हमारा गला बन के दिखता है। और ये देखिए हमारा थोड़ा गलती से यहाँ पे जो है मशीन का ऑयल लग गया है, तो आप इसे हैंड टू हैंड वॉश कर लें। कभी भी अगर आपसे लग जाए तो ये हमारे डेमो पीस था तो हम इसे वॉश नहीं करेंगे, वरना आप वॉश कर लें तो ये फ़ौरन हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बनाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से और ये बटन वाला और डोरी वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।